हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीपीएस इमिग्रेशन। दोस्तों, मैं आज आपका फ्रेंड राहुल शेरावत आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है स्टडी वीज़ा के बारे में। स्टडी वीज़ा आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है आप SDS कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी कैटेगरी है आप नॉन SDS में अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको प्रोसेसिंग टाइम SDS कैटेगरी में कम लगता है, जिसमें 20 वर्किंग डेज़ के अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। वहीं नॉन SDS में आपका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लेंथी होता है। SDS कैटेगरी के लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ती है, जिसमें आपको सबसे पहले आपके पास IELTS स्कोर होना चाहिए, जिसमें आपके पास मिनिमम 6 पॉइंट्स होने चाहिए। सेकंड नंबर पर आपके पास आपने 10,000 कैनेडियन डॉलर GIC में के अकाउंट में स्टोर किया है, उसका एक लेटर होता है, वो आपके पास होना चाहिए। थर्ड नंबर पर आपने जो यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी आपने एक साल की फ़ीस पे की हुई है, ये आपके पास लेटर या स्लिप आपके पास होना चाहिए। फोर्थ नंबर पर आपका होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट कि कोई भी आपको मेजर इलनेस नहीं है। ये चीज़ें आपको अरेंज करनी होती है, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो फ़ीस लगभग 235 कैनेडियन डॉलर है और प्रोसेसिंग टाइम आपको मैं बता ही चुका हूँ 20 वर्किंग डेज़ के अंदर हो जाता है। क्या और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ होगा कि जिसमें मैंने आपको बताया कि कंडीशंस फुलफ़िल करने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें आपसे क्या क्या नहीं मांगा गया है कि आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से ये स्पॉन्सर होता है तो पेरेंट्स की तरफ से एक एफिडेविट पे एक लेटर लेना है। जो भी फादर है या मदर है, जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है, उनकी तरफ से एक एफिडेविट होगा जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी कि आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं, इतने ये कोर्स की ड्यूरेशन इतनी है, पासपोर्ट नंबर आपका ये है, ये सारी चीज़ें एक एफिडेविट पे सारी चीज़ें मेंशन होकर उनके नीचे आपको साइन वगैरह करवाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको अपलोड करनी होती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या और चाहिए, इसके अंदर क्या क्या आपको फॉर्म भरने होते हैं। एक तो आपका फॉर्म होता है फैमिली फॉर्म, जिसमें मेंशन करना होता है कि आपके ब्रदर एंड सिस्टर, पेरेंट्स की डिटेल के पेरेंट्स के बारे में डिटेल्स देनी होती है, और जो भी कज़न ब्रदर हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि वो क्या करते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फैमिली फॉर्म के अंदर देनी होती है। उसके बाद आता है एक फॉर्म जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है आप किस कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं, यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में वो पूछते हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। आपने शेंगेन में ट्रैवल किया है, US में ट्रैवल किया है, या UK में ट्रैवल किया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मेंशन करनी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपकी SOP, आप जितनी अच्छी से अच्छी SOP बनाएंगे उतना आपका वीज़ा लगना आसान है, क्योंकि SOP में जितनी आपकी SOP के अंदर ही क्रिएटिविटी दिखती है कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों ये कोर्स कैसे हेल्प करेगा, आपने क्या क्या पास्ट में किया हुआ है, ये SOP के अंदर सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। क्योंकि SOP मेजरली क्या होता है, SOP पढ़ी जाती है और SOP के बेसिस पर भी कई बार डिसीजन ले लिया जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है और इसको एक्चुअल में नीड है और इसको वीज़ा दे दिया जाए। तो आपको SOP के अंदर हैवी वर्ड्स यूज़ करने हैं, एक बेसिक इंग्लिश ना यूज़ करके थोड़ा सा हैवी वर्ड्स यूज़ करें। और सभी चीज़ों के लिए दोस्तों हम भी हेल्प करते हैं आपको वीज़ा प्रोसेस के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, SOP के अंदर, थ्रू आउट हम गाइडेंस भी देते हैं नॉमिनल प्राइसेस के अंदर। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, मैं VFS में काम कर चुका हूँ, तो एक थोड़ा सा एक बेटर रहता है कि एक VFS स्टाफ से, क्योंकि हमें थोड़ी सी एजेंट से ज़्यादा नॉलेज होती है कि नया क्या आ रहा है मार्केट के अंदर, किस तरह SOP होती है, क्या चीज़ें होती है, तो वो बेटर तरीके से हम कर पाते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं भी अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अपना फ़ोन नंबर, मेल ID आपको मैंशन कर दूँगा, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much, friends.